सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले वो है कंपैरिजन बिटवीन किड्स। जी हाँ, हम जब बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, उसे इफेक्ट क्या होता है, क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। चलिए देखते हैं इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी किसी घर में कोई बच्चा होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, मान लीजिए किसी के बच्चे ने कोई एग्जाम दिया और उसको 60% मार्क मिला, हम उसको कम हम करेंगे कि हाँ ये स्कोर क्यों कम किया, ये मार्क्स क्यों कम आया, ये हम करते हैं। लेकिन साथ में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि दूसरे बच्चों के साथ कि इस बच्चे ने 95 स्कोर किया, इस बच्चे ने 90 स्कोर किया, हम दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। तो ये जो कंपेरिजन होता है, इससे इफेक्ट क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर आप किसी बच्चों के आप कहोगे कि आपसे वो अच्छा है, आपसे वो इसने अच्छा स्कोर किया, आपसे वो पढ़ाई में अच्छा है, आप क्यों नहीं पढ़ते हो, तो एक मेंटली देखिए फ्रेंड्स, एक इफेक्ट होता है बच्चों में। क्योंकि हर बच्चा सेम मेंटली, मतलब जो आईक्यू लेवल होता है सेम नहीं होता। अगर आप कोई भी बैच लेके चलिए, मान लीजिए कोई 10 का बोर्ड्स दे रहा है, अगर हम लास्ट 10 ईयर की बात करें, नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो जो एक एक बैच करके जो 10 या 12 का जो बोर्ड्स का एग्जाम देंगे, कोई भी ग्रेजुएशन कोई भी हो, सबका आईक्यू लेवल सेम नहीं होता। तो हर बैच में, अगर फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया का सीबीएसई का मैं लेता हूँ, सीबीएसई का एग्जाम है और 1 लाख स्टूडेंट्स अगर एपेयर होते हैं, इसमें 1 लाख स्टूडेंट कभी 100% नहीं स्कोर कर पाएंगे। अगर स्टेट बोर्ड्स का भी है तो कभी भी कोई बैच पूरा आउट ऑफ 100% कोई भी स्कोर नहीं कर पाएगा। 100% कोई 100% करेगा, कोई 99 करेगा, कोई 98 करेगा, कोई 95 करेगा, कोई 80-70, कोई अनफॉर्चुनेटली फेल भी होते हैं। तो ये एक नॉर्मल एक सिनेरियो होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्रेंड्स इसमें है कि आप अपना जो बच्चों के साथ जो दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं वो करना बंद करिए। क्योंकि देखिए नॉर्मल क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम कंपेयर करेंगे तो उनके एक साइकोलॉजी के माइंड में इफेक्ट होता रहता है। तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है कि उसके अंदर गुस्सा आ रहा है एंड देन ग्रेजुअली वो एक दिन वो निकल आएगा। तो उससे क्या होगा, घर में झगड़ा होगा, एक आर्गुमेंट होगा बच्चों के बीच, आपके बीच। सेकेंड जो होता है कि वो ये जो जो टेम्पर होता है बाहर तो नहीं निकलता, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे चलता रहता है। उससे वो फ्रस्ट्रेशन अंदर में आता है कि फ्रस्ट्रेट होता रहता है कि मेरे साथ कंपेयर करता है, ये अच्छा है। तो इसमें एक इफेक्ट ये होगा कि देखिए, एक तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा आप जिसके साथ आप कंपेयर करोगे वो भी उसको निगेटिव देखेगा कि इसके लिए मुझे सुनना पड़ रहा है, इसके लिए ये हो रहा है। तो आप जिसके साथ उसको कंपेयर करोगे उसके लिए एक जो मतलब एक लगाव होता है, एक रिलेशन अच्छा रहता है, गुड रिलेशन, वो गुड रिलेशन से बैड रिलेशन हो जाता है। क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा कि उसके साथ मेरा कंपेयर हो रहा है, तो मैं अगर उसको देखूंगा तो अच्छे नज़र से नहीं देखूंगा कि ये अच्छे पढ़ाई में, इसी के कारण मुझे सुनना पड़ता है घर में मेरे मम्मी पापा से। ये चीज़ आपको बंद करना होगा। सेकेंडली जो फ्रस्ट्रेशन होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है कि माइंड कि मैं जितने अभी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे घर में वो मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो खुश नहीं हो रहे। तो ये भी एक नेक्स्ट जो इसमें प्रॉब्लम होता है। तो क्योंकि आप इसको जान नहीं पाओगे कि कभी अपना जो अंदर का टेम्पर बाहर नहीं निकल रहा, तो ये धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम होता है। अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स, देखिए आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो निगेटिव स्टेप्स लेते हैं। आजकल मतलब बच्चे जो है मतलब बहुत ही सेंसिटिव उनका माइंड होता है कि बहुत सारे अब मोबाइल्स हो गया, मोबाइल्स फिर टीवी, बहुत सारे अलग अलग जगहों से बहुत सारे न्यूज ऐसे मिलते हैं हमें। तो ये सब के लिए बच्चों बहुत सेंसिटिव है और हमें उसको बहुत केयर से उनको उनको बड़ा करना होता है और उनको देखभाल करना होता है। तो कभी भी आप उनका कंपेयर मत करिए। फॉर एग्जांपल, मैं अगर फ्रेंड आपके में बात करूं, अगर आपका कंपेयर किसी और के साथ हो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है आपको भी अच्छा ही लगेगा। सभी का देखिए अलग अलग क्वालिटीज होता है। आप देखिए कि आपका बच्चा कहाँ पर अच्छा है, क्या नहीं है। अगर वो कहीं पर अगर मान लीजिए उसको 60% मिला, आप उसको गाइड करिए ये बोलने से अच्छा है कि ये बच्चा अच्छा है, ये वो बच्चा अच्छा है, इससे अच्छा है कि आप उसको गाइड करिए, आप उसको हेल्प करिए कि 60 से वो 65 लेके आए, 65 से वो 70 लेके आए। ऐसे उसको हेल्प करिए, गाइड करिए, सो दैट वो अपना लाइफ में इम्प्रूव करे, अपने स्टडीज में इम्प्रूव करे, मार्क्स अच्छा स्कोर कर पाए, ना कि हम बोले कि ये अच्छा नहीं कर पा रहा है। बहुत टाइम देखिए फ्रेंड्स, बुरा लग सकता है लोगों को, लेकिन आजकल जो पेरेंट्स है उनका जो क्वालिफिकेशन है बहुत हायर होता है, मिनिमम तो ग्रेजुएशन होता है, कोई कोई मास्टर्स भी करते हैं, MBA, इंजीनियरिंग। लेकिन जो बच्चों के प्रति हमारा जो एक गाइडेंस होना चाहिए वो हम दे नहीं पाते। हम ट्यूशन रख देंगे, एक सब्जेक्ट के लिए हम 2-3 टीचर रख देते हैं, कोई घर में आके पढ़ा रहा है, कोई ट्यूशन में जाके पढ़ रहा है, हज़ारों रुपये हम खर्च करते हैं बच्चों के लिए इन मतलब ट्यूशन्स में, लेकिन हम कभी देखते नहीं है। अगर हम पूछें
एक बच्चे के सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर से क्या क्या चैप्टर से आप बोल ही नहीं पाओगे, जो जो फैक्ट है। क्योंकि हम लोग वो चीज़ हम लोग देखते हैं बहुत रेयर आजकल, जो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को लेके बैठते हैं पढ़ाई कराते साथ साथ, वो चीज़ होता नहीं है। अगर आप हमारी बात करें, आपकी बात करें, हमारे साथ पेरेंट्स बैठते थे पढ़ाई में, देखते थे कि स्कूल में क्या हुआ, कॉलेजेस में क्या हुआ, नोट्स देखते थे, जो हम लोग सीखते थे वो हमसे लेते थे रीडिंग करके, हाँ आप बताओ बिना देखे। तो वो चीज़ आजकल बहुत मिसिंग हो गया। हम चाहते हैं कि कोई हमें मेहनत नहीं करना है, हमने पैसा दे दिया, ट्यूशन में चले गए, ट्यूशन से आए, उन्होंने जो पढ़ा पढ़ा। अब नेक्स्ट क्या होता है, घर में जब आते बच्चे अकेले पढ़ते, क्या पढ़ रहे कि नहीं, मोबाइल लेके बैठे हुए गेम खेल रहे कि क्या कर रहे, कुछ हम देखते नहीं है। तो ये सब चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना है। बच्चों को कंपेयर करने से पहले हमें देखना है कि हम कितना उनके ऊपर डेडिकेटली उनके ऊपर मतलब ये काम कर रहे हैं, उनको कितना हेल्प कर रहे, गाइडेंस कर रहे। और उसके साथ ही एक बच्चे की मेंटली हम लोग को जो माइंड होता है वो हमें रीड करना है कि वो क्या चाहता है, किस तरीके से वो आगे जा रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, किसी जगह पे उसको अगर कोई दिक्कत वीकनेस है आप उसको देखिए, ठीक करने की ट्राई करिए। इससे मतलब बहुत ही इम्प्रूवमेंट आएगा एक बच्चे में। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। और एक अगर आपके घर में बच्चा नहीं है, साथ वाले आपके रिलेटिव में किसी के भी बच्चे हो, अगर आप ये देख रहे हैं आप उनको समझाइए ये चीज़, और इससे एक हेल्प मिलेगा दूसरों को भी। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा जरूर, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और साथ में मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करिएगा। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और मिलते हैं कुछ ऐसे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।